मार डालेगा। घर इसको खत्म कर दूंगा। दे दे। जाओ काट लेगी तो। Hey, what's up, guys? मैं हूँ अमीन। तो guys, welcome to the new prank. देखो अभी रात के ना 3 बजे है, अंकिता कब से सो चुकी है और मैं ना एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग करते करते मेरी भी आँख लग गई थी, पता ही नहीं चला, पर मैं अभी जस्ट उठा और मैंने बोला शिट बहुत ज़्यादा लेट हो गया। क्योंकि मेरा अंदाजा था कि मैं शायद 1:30 या 2 मैक्सिमम 2 बजे अंकिता पर प्रैंक करूंगा, पर मेरी खुद की कब आँख लग गई नींद आ गई मैं पता नहीं चला। तो आज एक हॉरर प्रैंक करेंगे बहुत सारे टाइम के बाद, और मैं बताता हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास है ये हॉन्टेड मास्क। देखो ये मैं लाया था नेपाल से। ये क्या है क्यों है मुझे कोई आइडिया नहीं, पर मुझे ये डेफिनेटली पता कि रियल में हॉन्टेड नहीं है, पर इस के लिए ये मास्क होने वाला 100। मैं थोड़ी देर पहले अंकिता को चेक करके आया कि वो एक्चुअल में सो गई है कि नहीं, और वहां पे जाके कैमरा सेट करके आया हूं और वो मास्क तो सो रही है। जब से ये मास्क मेरी जिंदगी में आया है, जब से मैं इसको लेके आया हूँ, तब बहुत ही खतरनाक और अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, मेरे साथ होती है, जो आपको प्रैंक में देखने मिलेगी। तो इतनी मिडनाइट की मेहनत के लिए और एक अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब विद बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, इंस्टाग्राम ट्विटर और थ्रेड्स को फॉलो कर लेना। हिडन ब्लॉग्स पे डेली ब्लॉग्स आते हैं तो जाके चेकआउट करो एंड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आ जाए तो सुपर थैंक्स भी मार सकते हो टू सपोर्ट। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ अंकिता के रूम में और प्रैंक करता हूँ, ताकि प्रैंक करता हुआ था मैं चैन की नींद सो पाऊँ। भयंकर वाली नींद आ रही मुझे, चलता हूँ प्रैंक खत्म कर लेता पहले। ओके गाइस, बहुत टाइम लगा मुझे मेंटली प्रिपेयर होने में। डीप ब्रेथ। अभी आपको सीधा वहां का एंगल देखने मिलेगा क्योंकि मैं ये कैमरा रख दूंगा जेब में। पर गाइस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक यूट्यूब इवेंट में गए थे दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स का हमने कलैब किया था। इनफैक्ट काफी सारे टीम्स के साथ हमारा चैलेंज हुआ था जिसमें हम लोग जीत गए थे। वो पूरे इवेंट का वीडियो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेक करना और कमेंट और लाइक शेयर कर देना, हमको बताना कि आपने देख लिया। फिलहाल आज का प्रैंक एंजॉय कर लो। मुझे कुछ पता नहीं क्या सच है क्या, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सही गलत और क्या सच और क्या मेरा इमेजिनेशन है, क्या मैं देख पा रहा हूँ या क्या सच, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और मैं पता नहीं काफी दिन से डरा था, किसी को बता बात भी नहीं कर पा रहा था मैं। रियली सॉरी, मम्मी को उठाना प्लीज, प्लीज मम्मी को उठा दे यार, उठा दे अंकिता प्लीज। पर बेबी हुआ क्या, देखो क्या हो रहा है मेरे को प्लीज देख, तुम लोग डांटना मत, मेरी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? अपने नेपाल गए थे बहुत पहले, उसमें तो महीने के भी ऊपर हो गया। वहां से पता है वो भक्तपुर की साइड गए थे अपने, हाँ, तो वहाँ पे सारे वो स्ट्रीट वेंडर्स के पास सारी चीजें अपने देखने गए थे, जहाँ पे मम्मी काफी सारी चीजें ली भी थी वहाँ से। हाँ। वहाँ पे मेरे को एक पता नहीं बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, मैं बोला यार मैं कंप्यूटर के टेबल पे या तो फिर कहीं पे रखूंगा या पता नहीं क्या, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा सा अलग सा हैंडमेड जैसा लगा, तो मैं वो चीज ले आया। ठीक है, और जब से मैं लेके आया हूँ ना, मुझे पता नहीं थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा मन करता है कि मैं उसको देखूं, और जब भी देखता हूँ ना पता नहीं मेरा ऐसा लगता है मैं वो पता है बेहोश हो जाते हैं या सो जाते हैं, सपने में चले जाते हैं या तो फिर कोमा में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसा होता है। और फिर अचानक ऐसा लगता है चीज बात कर रही है मेरे से, देख रही है। और उसके बाद मुझे जब से ये चीज पहली बार हुई ना, तब से मुझे हर रोज ऐसा मन करता है कि मैं उसको लेके देखूं, साथ में ही रखूं, और उसके बिना मैं मतलब ऐसा लगता है उसके बिना मुझे कोई मार डालेगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और मुझे क्या होता है पता है, कभी कभी जैसे मैं कंप्यूटर टेबल में बैठा होता ना अकेला, कोई साथ में होता है तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। पर जैसे मैं अकेला बैठता हूँ ना रात को, जैसे कि आज तो यहाँ पर आके सो गई, मैं वहां पे एडिटिंग करने बैठा था, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब आंख लग गई या पता नहीं मैं काम कर रहा था क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे शोल्डर से पकड़ा है, ठीक है, और शोल्डर से कुछ हार्म नहीं किया, ऐसे शोल्डर से पकड़ा, मैं डर रहा था, एकदम ऐसे टाइट पकड़ा, और फिर अचानक मेरे को ऐसे उठा दिया, और फिर उठा के जैसे गिरा मैं पूरा चेयर के साथ नीचे गिर गया, और मुझे पांव पे भी लगा है काफी। पर तू ऐसे सारी चीजें लाया क्यों? मुझे नहीं पता था, वो तो इतने लोग बेचा हुआ है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं साथ में रखता हूँ इसको, अगर मैं इसको रख दिया ना अंकिता तो मुझे पता नहीं कैसे मैं इसको दूर रख देता हूँ। नहीं पर सुन मैं जैसे इसको दूर रख देता हूँ ना, ठीक है, मुझे अचानक पता नहीं ऐसे अजीब सी फीलिंग आती है, मन करता है किसी को मार डालूं मैं, जैसे इसको रखता हूँ ऐसा लगता है जाऊं
कत्ल कर दूं। मन करता है जैसे किसी के अगर हथौड़ा हो तो किसी के सर पे मार दूं, अगर डिसमिस हो तो किसी के हाथ के अंदर डाल दूं। मुझे पता नहीं ऐसे इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ऐसे बहुत गुस्से से भर जाता हूँ मैं, बहुत गुस्से से भर जाता हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही गुस्से से। मन करता है, मन करता है शांत हो जाता हूँ, कुछ शांत हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, शांत हो जाता हूँ, शांत। हाँ आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, सारी बातें सुन रहा हूँ, बस मैं यहीं पे हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना, आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं यहीं पे हूँ। मैं ये बोल रहा था कि उसके बाद क्या होता पता है अंकिता, मेरे को मन करता है कि ऐसे जैसे आंटी चल के जा रही थी ना, मैं उतरा मुन के साले का ऐसे बाहर पकड़ के सारे नूर डालूं, सिर्फ सर के साथ पूरी स्किन निकाल दूं उसकी। सारी बहुत, तू एक सेकंड तू हीरे ना ऐसी गंदी सोच वाला नहीं है। प्लीज शांति से बात करने दो, शांति से बात करने दो, प्लीज प्लीज। हाँ दो दो मिनट पक्का पक्का, उसके उसके बाद में आपका पक, दो दो मिनट बस, दो प्लीज। नहीं ये कुछ नहीं बोल रहे, आपकी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कसम से, कसम से, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, कसम से। कुछ जला के फेंके, इसमें नेगेटिविटी होती है, बुरी चीजें होती है, ऐसी सारी चीजें उठाकर नहीं रोया जाता है, पता चलती है तेरे को। हनुमान दादा के सामने इसकी कोई ताकत नहीं है, इतना भी नहीं है जो मेरे सामने आ सके। इनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और मैं सच बता रहा हूं। यकीन नहीं आता तेरे को? नहीं यकीन आ रहा है? बताऊं? बता। मनी मेरे में नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। अरे मैंने क्या गलती की है? ये बोल रही है ना, मैं कुछ नहीं किया। अगले तो पागल हो गए, मेरे को क्या होगा पता भी नहीं है। क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हीरे? अच्छा तू देखना चाहती है, देखना चाहती है मेरी ताकत, देखना चाहती है। ये देख, मैं कुछ नहीं कर, मेरे को मत करो प्लीज, मेरे को मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला था इसके बारे में, कुछ मत बोल, तू समझती नहीं है, और तेरे को इसका सर फोड़ के दिखाऊं मैं तेरे को। लग रही है ये क्या फालतू सी चीजें उठा के लाया है, ये कोई है ना तेरे को कुछ नहीं कर सकता है, ये उठा के फेंक दे इसको। प्लीज ऐसा मत कर, मैं तेरे से हेल्प के लिए आया था, मत हेल्प ही करना चाह रही हूं, एक सेकंड मैं मेरे हिसाब से करूंगा, प्लीज कोई तेरी हेल्प की जरूरत नहीं, तू मेरा और बिगाड़ेगी, मुझे रात को मार डालेगा। कैसे मार सकता है? नहीं पता, मैंने तेरे को समझाया ना मेरे साथ क्या क्या हो रहा है अंकिता, हो सकता है ये मेरे दिमाग का वहम हो सकता है, कोई मेरे सर में कुछ हो गया हो पता नहीं, पर प्लीज मुझे प्लीज पकड़ने नहीं, नहीं पकड़ने दे रहे अंकिता, अगर मैंने इसको तुझे पकड़ने दिया तो मैं यहाँ से भाग के किसी को मार डालूंगा, तो पता नहीं है, जब तक ये मेरे साथ कनेक्टेड है, जब तक मेरे हाथ या कुछ इसको टच हो रहा है, तब तक मुझे कुछ नहीं होता है, नहीं मत कर प्लीज, तू दूर है से, मुझे ऐसे लग रहा है तू बर्बाद है कि मेरे को अंकिता प्लीज मत कर, मैं तेरे हेल्प के लिए आया था यार, भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बोला था मम्मी को उठा दे, मम्मी समझेगी मेरे को, मम्मी को उठा दे प्लीज, मम्मी को उठा दे, खाली उठा दे, रात के 3 बज रहे हैं, मम्मी को उठा दे, प्लीज मम्मी को उठा दे, मैं कुछ नहीं होगा, तू तू मरवाएगी मेरे को, तू दुश्मन है मेरी, तू मरवा देगी, तू नहीं मरवाऊंगी यार, तू मरवा देगी, प्यार करती हूं, दूर हट, इस बात पे जाना दूर हट, मान दिया मेरे को, प्यार करती है मेरे को, कर दिया ना, कर दिया, प्यार करती है मेरे को, कर दिया, दूर हट, दूर दूर, जो भी कोई पर्सन है हमारे घर से, हमारे परिवार से, और हम लोगों के आस पास से दूर चला जाए, और हीरे को दूर से दूर छोड़ दे,
हमारा है वो। चल मम्मी के पास जाते अपने पहले प्रॉमिस कर, तू इसको आगे रखा है कि कल इसको खत्म कर दूंगा, देखता हूँ क्या उगाड़ लेगी, तो कल इसका आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं हुआ, अपने कल ही सुबह उठ करके हनुमान के मंदिर जाते हैं और अपने हुआ क्या पर? जाके आते हैं। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे इसको ना वो लाइट वाइट लगवाने की है, ये नहीं रखा। अरे इसे दे, अरे मेरे को दे अंकिता, क्या कर रही है यार, इतना मस्त। ये नेपाल से लिया था मैंने, मस्त है ना, हैंडमेड है पूरा। कितना क्यूट है ये, बहुत हॉरर सा नहीं लग रहा, घटिया नहीं, अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव है, कितने मेहनत से बनाया होगा। मैं यहाँ कैसे आया यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास चाहिए प्लीज, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है प्लीज, मुझे नहीं, मैं इसको अच्छा से वो लाइट वाइट मैं इसके अंदर आंखों में दो लाइट तो लगाऊंगा, और यहाँ पे प्लीज मुझे रखने देना, यहाँ ब्लू और यहाँ पे नहीं, मुझे रखने देना प्लीज, इस राउंड में मुझे देना प्लीज, मुझे अच्छा। अरे यार पागल होगी, मैं सुन ले रहा हूँ, कभी क्या टाइम हो रहा है? ओ भाई 3 बज गई रात की, बेबी प्लीज सो जाते हैं अपना, मुझे देना, मुझे पसंद आए इसके साथ मुझे रात को रहना प्लीज। कितने बजे उठने का सुबह? सुबह 8 बजे। तो ठीक है, अभी तो हो जाएगी नींद पूरी। एडिटिंग मेरा हो गया कम्प्लीट या नहीं? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, मैं एडिटिंग किया था क्या कम्प्लीट? हाँ। क्या कर रही है तू ये? क्या हुआ, क्या कर रही है? अरे ऐसा क्यों भी कर रही है, छोड़, क्या हुआ, क्या हुआ तेरे? तू एक काम कर, आज इधर सो। क्यों? मैं इस रूम में हर रोज हनुमान जलसा पढ़ती हूँ, तो? ये रूम में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगी, मैं रोज ना पागल है, नहीं मैं यहाँ पूजा भी करती हूँ, तो तू कहाँ सोएगी? ना सो, मैं वो रूम में चली जाती हूँ। अरे गेस्ट हूँ मैं उनके साथ, तो क्या तो मेरे को आदत हो गई? नहीं मैं आज गेस्ट रूम में जाकर, अरे हाँ उसे याद है, ये बहुत बदसूरत। नहीं एक चीज सिखा दो तेरे को, बोल यमुनी आई, बोल क्या बकवास कर, पहले बोल यमुनी आई, बोल यमुनी आई, चिपका लिया,
ये क्या है इसका मीनिंग क्या है? मैं बताऊं मैं कोई भी चीज मीनिंग देना नहीं। अरे वो चिपका लिया है। मैं नहीं बोलने वाली कोई भी चीज मीनिंग। मैं बोलता हूँ ये मुनि आई चिपका लिया है मुलाकात के चिपका लिया प्लान करते हैं यार मैंने क्या किया निया हुआ दिया क्या हुआ जय हनुमान दादा की जय हनुमान दादा की जय हनुमान दादा की जय हनुमान दादा की जय हेलो क्या है सिर्फ एक मिनट मुझे देखना है यमुनी आई ये तुझे नहीं मिलने वाला है मैं नष्ट कर दूंगी देखना और हनुमान जी मेरे साथ है ना मुझे कुछ नहीं हो सकता है ये सिर्फ तेरे पे कर सकता है मेरे पे इसका कोई बस नहीं चलता कोई भी मेरे पे नहीं और तू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कर क्या रही है तू ऐसे इधर देख जल्दी इधर देख पहले पहले इधर देख कर क्या रही है तू इतनी रात को रिकॉर्ड क्यों कर रही है मजाक नहीं चल रहा है वो मजाक ही था प्रैंक था यमुनी आई और मास्क लाया था नेपाल से प्रैंक करने के लिए तेरे पे इट्स अ प्रैंक मुझे बहुत नींद आ रही है रात को 3 बजे तुझे प्रैंक सूझता है मेरे को जान अटक पड़ी थी कि ये चीज तेरे को क्या कर रही है ऐसा कौन करता है मैं फंस रहा था तू और फंसा रही थी अगर सच में ऐसा होता तो तुम मेरे को मरवा देती कुछ नहीं मरवा दी हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाता मैंने मेरा रुद्राक्ष मैं क्या पहना है इतना वो मुझे तो ये भी नहीं पता रुद्राक्ष पहना है कुछ पहना है इतना मुझे पता था मेरे को होश नहीं था मैं सीधा परफॉर्मेंस में लगा हुआ था परफॉर्मेंस में ना किसी और की एक दिन जान चली जाएगी तब परफॉर्मेंस करते रहना मैं देखो इतना कुछ नहीं लेता था जान मैं थी यहाँ पे तेरे लिए और वो जो भी पर्सन को तुम सच में अगर होता ना ऐसा कोई हो नहीं सकता कोई भी तेरे को कुछ भी हार्म करेगा उसको सबसे पहले मेरे से फेस करना पड़ेगा वो कोई भी क्यों ना हो बोल लम्बा बोल रही सारी चीजें कर रही है तू रो रही है जिसको मैं मना लेता हूँ सब्सक्राइब करें पहले कर लाइक शेयर कमेंट फीलिंग्स बड़ी नहीं है रात के 3 बजे करता है मस्ती घटिया दिमाग घटिया सोच इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लेना थ्रेड्स को फॉलो कर लेना और ब्लॉग चैनल पे डेली लोग साथ सब्सक्राइब कर लो मैं इसको मना लेता हूं अरे सॉरी ना अभी अंकिता तो आधी रात को मैं मनाने बैठूंगा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी यार तो तूने मेरी पूरी नींद खराब कर दी ना मुझे कितना पूरा फील हो रहा मुझे डर सॉरी इसलिए तू ये चीज करता है क्योंकि मुझे इफेक्ट करती है सॉरी बस नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी